नमस्कार दोस्तों, मिस्टर मीना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ जिसे आप कभी भी ट्राई मत करना। दोस्तों मैं आज ये जो मेरी स्विफ्ट गाड़ी है इसका टेस्ट करने जा रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास में ये गाड़ी है, इसका फ्रंट नज़ारा आप देख लिए। और मैं जो इसका टेस्ट दोस्तों ट्रैफिक पे नहीं करूंगा क्योंकि खाली रोड पे मैं इसका टेस्ट करने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि यार इसकी सुई में जो है पूरे के पूरे 200 लिखे हुए हैं, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या वाकई इसकी स्पीड 200 होती है या नहीं होती है। दोस्तों मैं जो है अभी हाईवे जो कोटा से झालावाड़ का जो हाईवे है दोस्तों वहां पे मैं हूँ, और मैं अब ट्राई करने जा रहा हूँ कि वास्तव में कि इतनी स्पीड मेरी गाड़ी जो है वो पकड़ती है नहीं पकड़ती है, और कितना स्पीड ये दे पाती है हमें। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और प्लीज इसे घर पे या आप ट्राई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को पूरी सावधानी और वीडियो विशेषज्ञों की मदद से बनाया जा रहा है। तो आप इसे कभी भी ट्राई करके अपनी जान जोखिम में नहीं डालें। फिलहाल मैं 900 किया हूँ और मैंने अभी ये 2 साल पहले गाड़ी ली थी, तो मैं आज इसका जो टेस्ट करने जा रहा हूँ कि कितना स्पीड पकड़ती है। दोस्तों तो आइए अब हम जो है हमारी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कितनी स्पीड ये पकड़ती है। और कहीं यार मुझे डर भी लग रहा है मैं एक्सीडेंट नहीं हो जाए मेरी गाड़ी का। चलिए दोस्तों हम बिना ये ट्राई करने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है और जो मेरी गाड़ी का जो न्यूट्रल हैंड ब्रेक में यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने हटा दूंगा। और दोस्तों अब मैं जो है ट्राई करने जा रहा हूँ, तो मैं जैसे ही अपनी गाड़ी का दोस्तों गियर डाल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं जो है गियर डाल रहा हूँ। ये देख लें, ये मेरा हाथ है, इसमें से मैं फर्स्ट गियर लगा करके जो है पहले इसको डायरेक्ट रवाना कर दिया है। दोस्तों मैंने आप मेरे साइड का आप नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों, गजब का है। और आगे का भी नज़ारा आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही गजब का है। और दोस्तों अब मैं धीरे धीरे इसकी स्पीड इंक्रीज करूंगा, एकदम से नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि दोस्तों एकदम से बढ़ाने से दुर्घटना भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है दोस्तों, आगे ट्रैफिक भी आ सकता है। तो ये जो खाली रोड है तो मैं देख रहा हूँ, तो आप भी बने रहिए अपनी इस वीडियो के साथ में। तो दोस्तों अभी टोल गेट आ गया था और मैंने गाड़ी धीरे कर ली थी, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो टोल कटवा करके ही गाड़ी चलानी चाहिए, अन्यथा मामला गड़बड़ हो सकता है। तो अभी मैंने मैक्सिमम स्पीड करी, तो इसने अभी तक तो 80 की स्पीड पे दोस्तों फुल ट्रैफिक आ रहे थे, लेकिन अब मुझे जो है रोड खाली मिला और मैं अब मेरी गाड़ी की जितनी भी स्पीड है वो सारी स्पीड में खोल देता हूँ। दोस्तों मैंने 5th गियर लगा दिया और आप देख सकते हैं कि इस रोड का नज़ारा खतरनाक यार, पीछे से भी दिखा दे दोस्तों इसे मिरर से आप देख सकते हैं खतरनाक नज़ारा है इस साइड का। दोस्तों मेरी गाड़ी ने अभी भी 80 की स्पीड पकड़ी है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो आगे ट्रैफिक है, तो इसलिए मुझे मेरे हिसाब से चलाना होगा, क्योंकि यहाँ से कुछ भी हो सकता है। दोस्तों अब मैं ट्रैफिक क्लियर हो गया और मैंने जो इस गाड़ी को पीछे छोड़ दिया, ये लो मैंने एक्सीलेटर रखा दोस्तों, क्योंकि इसमें आप जानते हो खतरनाक एक्सीलेटर होता है, क्योंकि स्विफ्ट डिजायर है दोस्तों। और मेरी गाड़ी 200 की स्पीड पकड़ चुकी है, लगभग मैंने पूरी स्पीड खोल दी है दोस्तों, 100 और 100 के आगे 120 दोस्तों, 120 पे कट आ चुका है। और दोस्तों मेरी गाड़ी को आप देख सकते हैं कितना खतरनाक दृश्य है यार। दोस्तों 120 की स्पीड में मैं संभल नहीं पा रही यार गाड़ी, बिल्कुल डर लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, अगर कोई कुत्ता बिल्ली कुछ आ जाएगा तो खत्म है। दोस्तों आप देख सकते हैं यार पीछे का मिरर का नजारा आप, मेरा फोन ही गिरा, ये आगे का नजारा है। और अभी भी दोस्तों मेरी गाड़ी 120 की रफ्तार पे चल रही है,
आगे कुछ ट्रैफिक वगैरह चल रहे हैं तो मैं थोड़ा यहाँ पर स्लो कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि जिंदगी का सवाल है यार। दोस्तों मैं 5 मिनट में ही लगभग 20-25 किलोमीटर तो आ ही गया होगा यार आराम से, क्योंकि वहाँ टोल से लेकर के वो ये जगह आप जानते हो तो इस वीडियो में ध्यान से देख लीजिए, इस जगह पे आ गया हूँ मैं टोल से और मुझे 5 मिनट भी नहीं हुए अभी। ओ सिटी यार, ये ट्रैफिक आ जाते हैं बार बार। दोस्तों मैं पूरी स्पीड खोल सकता हूँ लेकिन यार मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है, लेकिन यार दूसरे की जान की तो हमें करना ही चाहिए ना यार। दोस्तों सुनो तो सही, क्योंकि हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूसरे अदर्स, और मैं तो मेरी बात तो सुनो आप, मैं तो खुद दूसरों के लिए जीता हूँ दोस्तों, आप मेरे को तो अच्छी तरीके से जानते ही हैं।